नमस्कार, शेष भारत में आपका स्वागत है। मैं हूं मुक्ता सिंह। 17 दिन बाद आखिरकार उत्तरकाशी की टनल में फंसे मजदूरों को बचा लिया गया। इस पूरे ऑपरेशन में कई ऐसे अनजाने चेहरे हैं जो पहले दिन से इस ऑपरेशन में लगे हुए थे। इन्हीं से जानेंगे कि कैसे इन्होंने इस ऑपरेशन को अंजाम दिया और कैसे हर रोज आने वाले नए चैलेंज का सामना किया। और इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ दो मेहमान जुड़ रहे हैं। संदीप सुदेरा जी, जो कि एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं NHIDCL के, और साथ ही हैं PS रावत जी, जो कि हैं एडिशनल जनरल मैनेजर, जो पहले दिन से इस रेस्क्यू ऑपरेशन से जुड़े हुए हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर। और स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं संदीप कुमार जी, जो हमारे वरिष्ठ सहयोगी हैं। सर, सबसे पहले तो आप दोनों लोगों को बहुत बहुत बधाई हो, इतने बड़े ऑपरेशन को अंजाम दे दिया और 41 मजदूर सही सलामत सुरक्षित वापस आ चुके हैं। Yes, thank you very much. सर, सबसे पहले PS रावत जी, आपसे, आप पहले दिन से इस ऑपरेशन से जुड़े हुए हैं, कितना मुश्किल था ये पूरा ऑपरेशन? मैडम, इस ऑपरेशन के बारे में जैसे हम लोगों को मतलब ऑर्डर मिला कि भाई आप लोगों को वहां मूव करना है, तो हम इमिडिएटली जो है रात को 12 बजे अपने प्रोजेक्ट से चले और होल नाइट जर्नी करने के बाद में और 9 बजे हम वहां पे पहुंचे। तो सबसे पहले हम लोगों ने अपने साइट का मुआयना किया कि भाई वहाँ पे क्या क्या प्रॉब्लम है, किस टाइप से प्रॉब्लम क्रिएट हुई है और हमें क्या करना चाहिए इसमें। तो उसके बाद जो मीटिंग हुई, तो मीटिंग के बाद में इसमें डिफरेंट ऑप्शंस ढूंढे गए कि भाई किस किस ऑप्शन से हम इसमें उन मजदूरों तक पहुँचा जा सकता है। तो इसमें जो हमें टास्क मिला था कि जो दूसरा एंड है, बड़कोट एंड है, बड़कोट एंड से हम एक माइक्रो टनल बनाए, तो हमने इमिडिएटली जो है उस पर अपनी फोर्स डिप्लॉय करी और उस पर एक्शन मतलब काम करना शुरू। सुरेंद्र जी, लगातार आशा और निराशा का दौर चलता रहा। कभी लगता था कि बस एकदम से अभी रेस्क्यू ऑपरेशन खत्म हो गया और मजदूर बाहर आ जाएंगे, तब तक अचानक से एक मुश्किल खड़ी हो जाती थी। किस तरह से ये पूरे 17 दिन गुजरे हैं आप लोगों के? देखिए, जैसे बताया 12 तारीख दिवाली वाला दिन था और सुबह 5:30 बजे के करीब हमारा ये कोलैप्स हुआ। सो हम लोग इमीडिएटली सब मोबिलाइज हुए। मैं जम्मू में था तो रात को करीब 12-1 बजे तक हम पहुंचे। रात भर हमने जो है अपना एक्शन प्लान देखा, क्योंकि मैं एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर इधर था, मेरे साथ मेरे डायरेक्टर साहब भी थे। तो हम लोग ने ये देखा, जायजा लिया सिचुएशन का, क्योंकि जो हम लोग जितना मत रिमूव कर रहे थे उतना ही वापस आ रहा था। तो हमें पता था इस तरीके से शायद हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो हम लोग ने कहा कि इसके थ्रू हम लोग या तो ड्रिफ्ट बनाए या अर्थ हॉगिंग मशीन इस्तेमाल करें। सो नेक्स्ट डे मॉर्निंग मैंने अपना चीफ सेक्रेटरी साहब हैं जो संधू साहब हैं स्टेट के, उनसे मैंने बात करी और इमीडिएटली पाइप्स जो है ना आपके 800 एंड 900 डाय के पाइप्स को हम लोग ने कलेक्शन करना शुरू किया और स्टेट ने हमें एक ऑगर मशीन दी। तो जब वो साइट में आई नेक्स्ट डे मॉर्निंग तक, हमने देखा कि इसकी कैपेसिटी थोड़ी सी लो है, हमारा काम ज़्यादा है। सो हमने इमीडिएटली एयरकॉन और ऑर्गेनाइजेशन दिल्ली मेट्रो वगैरह से कॉन्टैक्ट किया और एक अमेरिकन ऑगिंग मशीन जो बहुत ही पावरफुल मशीन है, मोस्ट पावरफुल मशीन इन द कंट्री, जो 600 टन तक थी, उसको डिप्लॉय किया। जब हमने उसको डिप्लॉय किया, हम उससे काम करना शुरू किया। हमारा 17 तारीख तक ऑलमोस्ट अबाउट 22 मीटर हम लोग अंदर चले जा चुके थे। इसको एयरलिफ्ट किया गया। मैं ये भी बताना चाहता हूँ, एक यहाँ पर एडवांस लैंडिंग ग्राउंड है जो बहुत फ्रीक्वेंटली इस्तेमाल नहीं होता, पर इंडियन एयरफोर्स ने C-130 एयरक्राफ्ट से इसको यहाँ पर ट्रांसपोर्ट किया गया और हमने इसको इस्तेमाल किया। पर 16 की रात को एक छोटा अर्थक्वेक आया और हमें ये लगता है कि इसके वजह से थोड़ा डिस्टर्बेंस हुआ। एक 17 तारीख को काफ़ी लाउड साउंड आया टनल के ऊपर और हमारा डिफ्लेक्शन भी आया। तो हमने ये उस टाइम जायजा लिया कि अंदर के लोग हमारे सेफ थे, हमारी लाइफ लाइन ऑन थी, हम लोग उनको पानी बिजली पहले ही थी और खाने का सामान भेज रहे थे। तो हमें ये पता था कि हमारे लोग सुरक्षित हैं और उसमें करीब करीब 2 किलोमीटर टनल पीछे जगह थी। तो ये सब करते रहे। इसके बाद हमें थोड़ा सा लाइफ लाइन इसको करा। 18 तारीख को PMO से सारे लोग ऑक्सीजन लिए, सब लोगों को इकट्ठा किया गया। इंडियन, मैं ये बताना चाहता हूँ, ये देश की ताकत इसमें दिखाई गई कि हम कैसे एकजुट होके पूरी इंडियन फोर्सेस, इन द सेंस दैट ONGC, THDC, RVNL, आपका सतलुज विकास विद्युत निगम, NHAI, आपका रेलवेज, राइट्स, सारी ऑर्गेनाइजेशन एकजुट इधर आई और हम लोग ने 5 ऑप्शन इसके निकाले गए कि इनकेस अगर एक फेल होता है तो आप दूसरे से उसको कर पाएंगे।
हमें हमेशा पता था, विश्वास था कि हम इन लोगों को सुरक्षित निकालेंगे। खाली समय समय पर जो है थोड़ा हम लोग को अंदर जो, क्योंकि हम लोग काफी इसमें गर्डर्स लगाते हैं जो कंस्ट्रक्शन के टाइम। सर आपने बिल्कुल सही कहा कि लोगों एकजुटता पूरे देश की नजर आई, सब लोगों ने मिलकर, संदीप जी जैसा आपने, हम सब ने देखा कि ये सबकी अथक मेहनत और परिश्रम का ही नतीजा है कि आज 41 मजदूर जो हैं सुरक्षित बाहर आ चुके हैं। लेकिन जैसे आपने बोला ऑगर मशीन मंगाई गई थी, जब वो टूट गई तो क्या आप लोगों का भी कुछ आप लोगों की भी हिम्मत टूटी? हाँ। आपको लगा कि अब क्या होगा? आपको ये बताना चाहता हूँ कि हमारी एक और ऑगर मशीन इंदौर से उसको एयरलिफ्ट करके हम लेके आए थे। ऑगर मशीन टूटी नहीं, जो हमारा था 22 मीटर पे जाके हम लोग का थोड़ा हिंड्रेंस आया, अंदर जाके लोगों ने इनफैक्ट गैस वेल्डर जो है ये 900 mm जब तक था, 900 mm पाइप के अंदर जाके उन लोगों ने बहुत कमेंडेबल काम किया, उसको बैठ के गैस से कटिंग करी, जो लोहा सामने से आया थोड़ा सा पाइप डैमेज हुआ था, उसके बाद दोबारा पुशिंग चालू करी और करीब जाके करीब 47 मीटर जब हम गए थे उसके बाद इसके अगेन बहुत ज्यादा लोहा आया जिसने हमारे ऑगर मशीन को, ऑगर को डैमेज किया, तो उसको भी हमने काट के निकाला। और फाइनली जो है हमारा जो करीब करीब आखिरी 13 मीटर है, ये हम लोग बोलते हैं जो रैट डिगर्स या खोदू लोग हमारे हैं वो, और बहुत ही हिम्मत का काम करते हैं, तो उनमें जाके आखिरी 13 मीटर जो ऑगर मशीन हमारी काम कर रही थी उसमें हमें उसको पुश कर पाए, तो पुशिंग के लिए बिल्कुल ठीक थी, पुलिंग के लिए ठीक थी, ऑगर को हमने काट काट के निकाला। एक एक ऑगर का पीस जो है अपना 2-2 मीटर का, 1.5 मीटर का, 45 मीटर हमने काट के निकाला, तो इसमें थोड़ा टाइम लग गया, मेहनत लगी, पर जैसे मैं बोल सकता हूँ हम लोग ने अपनी हिम्मत नहीं हारी। हमें पता था कि हमें सक्सेसफुल होना ही है और हमें बड़ा अच्छा लगा कि हम लोग जो है एडवेस को हम लोग सक्सेसफुल और उनको सुरक्षित निकाल पाए। एक भी इंसान ऑपरेशन के टाइम यहाँ बाहर की तरफ या इनसाइड किसी को कोई खरोच तक नहीं आई। रावत साहब आपको भी लग रहा था कि सारे मजदूर सुरक्षित होंगे, 17 दिन हो चुके हैं, क्या आप लोग कॉन्फिडेंट थे कि सभी लोग ठीक हैं, सभी लोगों से आपकी बातचीत हो रही थी? हाँ जी, एक्चुअली जो जिस कंडीशन में ये मजदूर थे वहाँ पे, एक्चुअली जो टनल की लंबाई 2 किलोमीटर के आसपास उसकी लाइनिंग हो रखी थी, और जब कंक्रीट लाइनिंग अगर किसी टनल की हो रखी है तो वो सबसे सेफेस्ट जगह होती है अंडरग्राउंड में। और दूसरा इसमें एक अच्छा पॉइंट ये था कि जो वाटर और एयर की पाइपलाइन जो कंस्ट्रक्शन के लिए यूज होती है वो इंटैक्ट थी, उसमें कोई डैमेज नहीं थे, और जो पावर सप्लाई की जो केबल थी वो भी इंटैक्ट थी, तो वहाँ अंदर पानी, बिजली और हवा जो 3 रिक्वायरमेंट होती है किसी भी इंसान के लिए वो वहाँ पे उनको अवेलेबल हो रहा था, तो इसलिए 100% श्योर थे कि भाई उनको किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं हुआ। बस इसमें ये था कि कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आती जा रही थी, और ऐसे केसेस में जनरली क्या होता है कि मतलब प्रॉब्लम्स आती रहती है क्योंकि हर एक को रहता है कि थोड़ा जल्दी, जितनी जल्दी हो सके ये ऑपरेशन सक्सेस हो जाए, लेकिन इसमें थोड़ा पेशेंस की बहुत जरूरत होती है। तो हमें फर्स्ट डे से लग रहा था कि हम इसमें बहुत जल्दी सक्सेस होंगे, हम लोग ये प्लान बना के चले थे कि भाई हम ये विदिन 2 or 3 days में ये जो हमारा जो अगर से जो पाइप हम इंसर्ट करते थे इसको कंप्लीट कर देंगे, लेकिन 2-3 बार इसमें जो इस टाइप से प्रॉब्लम आई थी इसके थोड़ा सा डिले हुआ। और अदर ऑप्शन हमारे जो चल रहे थे जैसे वर्टिकल हम बोरिंग कर रहे थे ऊपर से, उस पर भी हम पूरा मतलब कंफर्म थे कि ये भी हमारा सक्सेस होगा। जो सेकंड ऑप्शन ये था जो हम जो बैक साइड से बड़कोडेन से जो हम ड्रिफ्ट बना रहे थे, भले ही वो उसमें थोड़ा सा टाइम लग रहा था और वहाँ पे जो जियोलॉजिकल कंडीशन इतनी फेवरेबल भी नहीं थी, लेकिन वो एक मतलब फाइनल ऐसा ऑप्शन था कि जो जिसके फेल होने के कोई भी चांसेस नहीं थे, वो 100% श्योर था कि वो सक्सेस होगा ही होगा। और हमारा जो सबसे पहला ऑप्शन ये ऑगर के थ्रू जो पाइप पुश कर रहे थे हम इसी में सफल हुए, क्योंकि कंटिन्यू इसमें जो प्रॉब्लम आती रही हम इसको टाइमली और सक्सेसफुली उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते रहे और आगे बढ़ते गए। और इसमें मैंने जो सबसे अच्छी चीज ये देखी कि इसमें जितने भी एजेंसीज थी वो हमारे मतलब इंडिया के डिफरेंट डिपार्टमेंट से आ रखे थे, उनका एक कोऑर्डिनेशन और एक दूसरे को सहयोग करना। जी संदीप जी, एक सबसे खास बात आप ये देखिए कि 2014 में जो रैट माइनर्स जिन्होंने फाइनली अंजाम दिया, इनको 2014 में सुप्रीम कोर्ट ने इस टेक्निक को अवैध करार दिया था, और एनजीटी ने इस पे वो किया था, उसके बाद फिर क्या हुआ कि स्टेट गवर्नमेंट है वो अपील पे गई थी, ये कहा जा रहा था कि ये इन लोगों के लिए खतरनाक है और ये बहुत ही इसमें जान का खतरा है, इस लिहाज से इसको किया गया था। लेकिन आप देखो कि ये वही रैट माइनर्स हैं जिनकी
तकनीक और जिनकी एक्सपर्टीज जो है इसमें काम आई है, और 41 लोग निकल के आए हैं। इन्होंने अपनी जान पे खेल के अंदर वो सुरंग में पाइप के जरिए घुसे हैं। बहुत पतला स्पेस होता है, उसमें हथौड़े से और फावड़े से काटा है, निकाला है, तो अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। रैट माइनर्स को मैं खुद इतने साल से पत्रकारिता हूँ, मैंने ये टर्मिनोलॉजी नहीं सुनी थी। हम जानते थे कि हाथ से खुदाई होती है, लेकिन रैट माइनर्स एक टर्मिनोलॉजी है, और इनकी एक्सपर्टीज की वजह से रातों रात ये स्टार बन गए हैं, इसलिए कहना कोई बुरा नहीं होगा। सुधेरा साहब, आपसे जानना चाहेंगे एक बार अपने दर्शकों की जानकारी के लिए, जैसा संदीप जी ने कहा कि रैट माइनर्स बहुत सारे लोग नहीं जानते हैं, और जो हम लोग जानते हैं कि 2014 में सुप्रीम कोर्ट ने इस टेक्निक को कहा था, इसे अवैध करार दिया था, इसके बारे में जरा एक बार दर्शकों को बताइए, और फाइनली वो हीरो बन के उभरे हैं। देखिए, रैट माइनर जैसे बोलते हैं, इसमें यस जोखिम जरूर होता है, पर यहाँ पर हमारे पास, हम लाइनिंग के अंदर काम कर रहे थे, लोहे की लाइनिंग थी, 800 mm की लाइनिंग थी, और आगे ये सेफ्टी, क्योंकि अगर अंदर की तरफ आ नहीं रहा था मटीरियल, सो उनके लिए सेफ था, और हम लोग इनको पानी जो इसके जो एयर पंप करते रहे तो ऑक्सीजन उनके लिए जा रहा था, और ये रोटेशन में काम कर रहे थे, और हम लोग ने पूरा प्रिकॉशन रखा इनके साथ कि लाइट भी अंदर कर रखी थी, इनको हेडलाइट हमने दे रखी थी एनडीआरएफ से लेके, और इनसे कम्युनिकेशन जारी था। हमने एक बहुत अच्छा एक कार्ट टाइप बनाई जिसमें हम लोग 10-12 तसला लोड एक साथ डाल सकते थे, और व्हील्स लगे थे, उसको खींच के निकाल सकते थे, और एक लोकल आदमी ने ये हमें बना के दिया। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि हिंदुस्तान में मेरे को कम से कम हर रोज 10 या 15 फोन आते थे कि साहब हम आपको हेल्प करना चाहते हैं। तो लाइक आई सेड कि एक ये भारत देश का एक बहुत ताकत है कि जब थोड़ी भी आपदा आती है, चाहे मेरे आर्मी से हो, ऑफ विजय के टाइम हो, या ऑफ पराक्रम के टाइम हो, पूरा देश एक साथ जुट जाता है, एक मुट्ठी की तरह बंद हो जाता है, और उसको कोई, मेरे को ये विश्वास बार बार मैं करता हूँ, होता है कि कोई हमें छू नहीं सकता है, चाहे हमारी ऐसी आपदा हो, इंटरनल हो या आउटसाइड हो। दूसरी चीज एक और मैं बताना चाहूंगा कि हमारी कम्युनिकेशन लाइन उनके साथ थी, हमने जो एसडीआर, हमने एक और पाइपलाइन लगा दी थी फूड पाइप के लिए, सेकेंड पाइप लाइफ लाइन बोल सकते हैं, जिसके थ्रू हमारा जो है खाना जो जा रहा था, फ्रेश खाना जा रहा था। इनफैक्ट आपको पता होगा, उनको हमने एक, उनने बोला हमें क्रिकेट बैट दे दीजिए, क्रिकेट बैट और बॉल भी चल गया था अंदर। सो उनका स्पिरिट हाई था, हम लोग बात करते रहते थे, मैं भी उनसे बात करता था, डॉक्टर्स ने बात की, साइकेट्रिस्ट ने बात करी, और जो लड़के निकले हैं, जो बाहर निकले हैं, वो बिल्कुल हेल्दी थे, वो मेंटली स्टेबल थे, वे उनको खाने, लाइक आई सेड, खाना, लाइट, बिजली, आपका पानी की कोई कमी नहीं थी। सो वी वर कॉन्फिडेंट, एंड उनका कॉन्फिडेंस की वजह से हमें बाहर भी, हमें भी कॉन्फिडेंट रहे कि वो लोग ठीक है, और हम कोई रिस्क ऐसा ना ले कि हमारा उन 40-41 को बचाने के लिए कोई बाहर कैजुअलिटी हो। ये आपने बहुत ही खास बात कही कि उनके स्पिरिट्स बड़े हाई थे, वाकई काबिले तारीफ है। हम लोग छोटी छोटी मुश्किलों में संदीप जी इतने परेशान हो जाते हैं। ये मजदूर 17 दिन से फंसे थे, 400 घंटे बाद वो बाहर आए हैं, लेकिन मेरे ख्याल से आप लोगों ने भी ये उम्मीद नहीं की होगी कि वो इतने स्वस्थ, इतने मेंटली स्टेबल रहेंगे, इतने जीवट होंगे। वाकई चट्टानी हौसला देखने के लिए मिला है उनका। आप दोनों से, जिस तरह से मजदूर परेशान थे और नहीं सो पा रहे होंगे, उस तरह से आप लोगों की भी नींद हराम रही होगी 17 दिन तक, आज आप लोग भी चैन की नींद सोएंगे। आप सही बोल रहे हैं, हम लोग का बोल सकते हैं 24/7, जब हम लोग वापस जाते भी थे कुछ घंटे रेस्ट करने के लिए, तो हमारा दिमाग इधर ही रहता था, एंड इट वाज नाइस एंड कोल्ड सुबह से लेकर शाम तक, और एक आई वुड से टेंशन, एक प्रेशर में हम लोग का था कि उन लोगों को निकालना है। बिल्कुल, जिस वजह से मजदूर अपना संयम बनाए रखे, आप लोगों की मेहनत परिश्रम का ये फल है कि आज हम मजदूरों को इतना स्वस्थ और सुरक्षित देख रहे हैं। जिस तरह से आप लोगों ने ये पूरा 17 दिन जो आप माहौल बनाए रहे, जो आप जिस तरह से उनके साथ कॉन्वर्सेशन करते रहे, उनकी हर चीज़ का ध्यान रखा, संदीप जी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ थी, और आप लोगों के कारण ही आज हम लोग उनको सुरक्षित देख पा रहे हैं। रावत साहब, क्या कहेंगे? नहीं, ये एक मतलब एक बेहतरीन टीम वर्क का एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल हमने यहाँ पे देखा है, और सबकी जो सकारात्मक सोच होती है, एक सब पॉजिटिव डायरेक्शन में सब लोग काम कर रहे थे, और सबको उम्मीद थी कि बहुत जल्दी सफलता हाथ लगेगी, और उसी का परिणाम ये रहा कि हम लोग बहुत जल्दी इसमें सक्सेस हुए। बिल्कुल,
संदीप जी, एक चूंकि आप NHIDSL से हो और काफ़ी लंबा एक्सपीरियंस है, आपने सारी चीज़ें देखी हैं, एक बस मेरा ये क्वेश्चन है कि अभी तो ये इतना बड़ा इंसिडेंट हो गया, रेस्क्यू ऑपरेशन हो गया, सारे एजेंसियों ने बेस्ट एफर्ट दिया अपना हर तरफ से, लेकिन आगे आने वाले समय में क्या सावधानियां बरती जाएंगी इस टनल में, क्योंकि इस टनल का काम पूरा होना है, बहुत बड़ा हर्डल आया था, अब क्या आप लोग ऐसी सावधानी बरतोगे जो आने वाले समय में ये रिपीट ना हो, और क्या मतलब होगी आपकी योजना? बिल्कुल, इतना बड़ा प्रोजेक्ट है तो हमें इससे सीख क्या मिली, किस तरह के प्रिकॉशंस हमको लेने चाहिए आने वाले समय में? देखिए, अभी इसका हम लोग पूरा अध्ययन कर रहे हैं, मैं भी अभी साइट पे, आप लोग बोल रहे राहत, मैं आज सुबह दोबारा साइट पे आ गया था, अब इसका अध्ययन, क्योंकि हमारा कॉन्सेंट्रेशन इस टाइम अभी तक हमारा था फोकस जो था कि हमारे जितने लोग हैं उनको बाहर निकालना, अभी इसको हम अध्ययन कर रहे हैं, डिटेल स्टडी करेंगे इसका, और जो भी प्रिकॉशंस की जरूरत होगी, एडिशनल प्रिकॉशन हम ले रहे थे, कोई एडिशनल प्रिकॉशन की जरूरत होगी वो पक्का ली जाएगी। बात की जा रही है जो कहा गया था कि वो एस्केप टनल आपके DPR में था लेकिन वो बनाया नहीं गया, जिसकी वजह से ये एक बहुत बड़ी समस्या खड़ी हुई थी, तो ऐसे कितनी जो चीज़ें आपको तो पता हो चली गई होंगी चूंकि आप इससे जुड़े हुए, क्या क्या गलतियां, क्या क्या लापरवाहियां हुई हैं, उस पर थोड़ा अगर आप प्रकाश डालते तो अच्छा होता हमारे दर्शकों के लिए। मेरे को बहुत खुशी हुई कि आपने ये क्वेश्चन पूछा, और बहुत लोग के मन में डाउट है एस्केप टनल। बिल्कुल बिल्कुल, इसीलिए आपको यस बिल्कुल, बहुत अच्छा क्वेश्चन, क्योंकि लोग एस्केप टनल की बात करते हैं, जब एस्केप टनल जो होता है वो ऑपरेशन के टाइम के लिए एस्केप होता है, कंस्ट्रक्शन के टाइम के लिए नहीं होता है। ऑपरेशन के मतलब कि जब टनल होता बना हुआ है और बाई चांस उसमें जब ऑपरेट लोग उसमें ट्रैवल कर रहे हैं, मैं ये बात कर रहा हूँ जो कंप्लीशन के बाद, तो अगर बाई चांस एक टनल में आग लग जाती है तो लोगों को, क्योंकि फ्यूम्स इतनी होती है, उनको निकालने के लिए एस्केप टनल बनाया जाता है। तो इसमें क्या था, एक साइड में छोटा टनल दिया होता और आने जाने का, तो ये कंप्लीशन जो है, ये एस्केप टनल जो इसका बनना भी था वो कंप्लीशन के बाद था, ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन इसका कोई महत्व, अगर बना होता तो बात अलग थी, पर कोई महत्व नहीं है। और हम लोग ने क्या एस्केप टनल बनाया है, ये गलत बात बोलने की, हमने एस्केप टनल DPR में था, बल्कि इसको और मॉडिफाई किया है। पहले एक छोटा आने जाने का एक पैसेज था और एक छोटा सा साइड में एक पैसेज बनाया गया था एस्केप के लिए, तो हमने सेंटर में इसके पार्टीशन देखे, RCC का वॉल दिया हमने, जो टनल को स्टेबिलिटी भी देगा, और जिसमें खाली हर 500 मीटर में एक गेट दिया गया जो एयर प्रूफ होता है, अगर बाई चांस कोई हादसा होता है तो इंड और नहर की तरफ से उसको जो अप एंड डाउन ट्रैफिक है, लेफ्ट एंड राइट जो ट्रैफिक जा रहा है आने जाने वाला, उसके साथ उससे लोगों को निकाला जा सके। So, ये जो एस्केप टनल की बात है, दिस इज ओनली फॉर ऑपरेशन, मैं दोबारा बात कर रहा हूँ, ऑपरेशन व्हेन द टनल इज कंप्लीटेड, कंप्लीशन कंस्ट्रक्शन के टाइम के लिए एस्केप टनल नहीं होता। रावत साहब, जैसे हम लोग सीख की बात कर रहे हैं तो बहुत कम लोग ये जानते होंगे कि एग्रीकल्चर के बाद ये कंस्ट्रक्शन जो है सबसे बड़ा एम्प्लॉयमेंट जनरेटर है हमारे देश में, लेकिन ये एक एक्सीडेंट की बात नहीं है, आए दिन इस तरह के एक्सीडेंट्स होते रहते हैं, तो किस तरह के प्रिकॉशंस और किस तरह की पहल हमें करनी चाहिए? खासकर जो उत्तराखंड जैसा, बिल्कुल, मतलब जो वहाँ की इकोलॉजी इस तरह के जोन में, बिल्कुल, जो इको फ्रेजाइल जोन है उसके लिए हमें किस तरह के प्रिकॉशंस लेने चाहिए जिससे कि हम जो आए दिन इससे जुड़े एक्सीडेंट्स होते हैं उससे हम बच सकें? किसी भी वर्क को करने के लिए एक कंस्ट्रक्शन के लिए सेफ्टी मैनुअल बना होता है, उसके लिए सेफ्टी नॉर्म्स बने होते हैं, अगर हम उन नॉर्म्स को फॉलो करते रहें तो बहुत कम संभावनाएं रहती है कि कोई किसी प्रकार का मिसहैप या कोई इंसिडेंट हो, तो इसलिए हमें सावधानी के साथ पहले अपनी सेफ्टी, उसके बाद वर्कर्स की और उसके बाद इक्विपमेंट की सेफ्टी, तीनों को ध्यान में रखते हुए हमें आगे बढ़ना चाहिए, और जहाँ पर भी थोड़ा सा लेकुना रह जाता है वहाँ पर इस टाइप की मतलब प्रॉब्लम हो जाती है, तो मेनली हमें थोड़ा सा सेफ्टी पे मतलब कॉशियस रहना चाहिए ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन या कंस्ट्रक्शन स्टेज में। रावत साहब, आप लोगों ने TSDS मतलब टिहरी हाइड्रो पावर बनाया, इतना बड़ा कंस्ट्रक्शन किया है, तो क्या आपको लगता है कि उत्तराखंड जैसे स्टेट में जहां इस तरह के पहाड़ी, कच्चे पहाड़ी कहे जाते हैं, नई मतलब उम्र की पहाड़ियां हैं, तो ये जो डेवलपमेंट चल रहा है, इतना सारा खुदाई, इतना कंस्ट्रक्शन, तो क्या आपको लगता है कि इस स्टेट के लिए ये माकूल है, इतना होना चाहिए, क्योंकि इस पे बहुत सवाल उठाए जा रहे हैं? नहीं, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई, देखिए ऐसा है ना, जो भाई जब रिक्वायरमेंट है, हमें डेवलपमेंट की रिक्वायरमेंट है, हम टनलिंग कर रहे हैं या कोई प्रोजेक्ट बना रहे हैं, अगर हम उसको प्रॉपर नॉर्म्स को फॉलो करें
और जो जिस टाइप की जियोलॉजी है उस जियोलॉजी को ध्यान में रखते हैं, क्या रिक्वायरमेंट है उस जियोलॉजी को ट्रीट करने के लिए, उसको हम प्रॉपर अगर मेंटेन करते हुए चले तो कोई दिक्कत नहीं है। हम मतलब ये कि हवा बनाने वाली बात है कि भाई उत्तरांचल के पहाड़ जो है कच्चे हैं या हिमाचल के कच्चे, ऐसा कोई मतलब ऐसा इश्यू नहीं है, उसको हम उसी हिसाब से टैकल कर सकते हैं, ट्रीटमेंट कर सकते हैं, तो ऐसी कोई इश्यू नहीं है। हमें मतलब इसको कंटिन्यू करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है और हमें किसी प्रकार की कोई परेशानी भी नहीं है कि हम जो इतना हैवी कंस्ट्रक्शन या जो कर रहे हैं यहाँ पे उससे कोई भविष्य में कोई प्रॉब्लम होगी। चलिए फिलहाल संदीप जी इस चर्चा को हम लोग करते रहेंगे आगे आने वाले दिनों में। फिलहाल बहुत खुशी की खबर है और आप लोगों की मेहनत, पेशेंस और टीम वर्क, सभी को आपके जज्बे को सलाम है। इतने बड़े रेस्क्यू ऑपरेशन को आप लोगों ने सफलतापूर्वक अंजाम दिया है, 41 मजदूर हमारे सेफली सुरक्षित वापस आ चुके हैं और सबसे खास बात स्वस्थ हैं, मेंटली स्टेबल हैं, तो उसके लिए आप सभी को बहुत बहुत बधाइयाँ और आप लोग जुड़े इस चर्चा के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।